मरने वाले से पहले उसकी ख्वाहिश नहीं पूछते, वही काम करते हो तुम। तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ, मरने वाले से पूछते ना, फांसी देने से भी पहले जेल में भी पूछते हैं कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो आपको तो कुछ नहीं होने वाला है। हाय गाइस, कैसे हो? रात के 8:30 बज रहे और अभी हमारा खाना बन रहा है। ये दाल है और ये चने की दाल बन रही है और चावल के साथ। और अभी खाना वाना बनाते हैं, दादू को खाना खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। उठ जाओ दादू, एक खाना खाने से पहले दवाई ले लो। इस दादू के नीचे मतलब प्राइवेट पार्ट पे आपको पता दिक्कत है, प्रोस्टेट की नली वगैरह भी लगी है, तो सोजिश आ गई है बहुत ही ज़्यादा। दादू को बहुत ही दिक्कत आ रही है। दादू ये दवाई खाओ, बाकी खाना खाने के बाद सोते टाइम खिलाएंगे एक दवाई, ठीक है? क्या करें गाइस, जो प्रभु को मंजूर है यार वही होके रहेगा। हम तो बस कुछ ही नहीं कर सकते। हम वो कर सकते हैं जो एक इंसान के लायक होता है या एक इंसान जो कर सकता है, बाकी तो प्रभु भरोसे। और दादू पेशाब तो खैर टाइम टू टाइम अभी आ रहा है, इस पेशाब की हाँ ये तो आ ही रहा है। देखो बाकी और ले वे, इसको कटोरी रख दे वहाँ पे। ओके दादू, खाना बन जाएगा बस जस्ट 5 मिनट्स। अच्छा ठीक है, 5 मिनट में आपका खाना तैयार। दादू खाना कैसा है? खाना बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है, डाल दिया। कोई बात नहीं दादू, थोड़ा देना चाहिए। कोई नहीं, जितना खाना है उतना खा लो। गाइस ये देखो मैं भी खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया खाना बनाया मोहन भाई ने, रेस्टोरेंट से भी अच्छी दाल मोहन भाई के द्वारा बनाई गई है। अगर आप भी खाना चाहते हो तो इनको बुला सकते हो अपने घर दाल बनाने के लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? ये सुबह सुबह गाइस रूम पे पानी नहीं था, तो मोटर वगैरह लगाई, तो पानी आ रहा है। अब हमारी वाली टंकी ये वाली होगी गाइस, वाली टंकी। पर ये भी खा लिया मैंने, इस पे भी लगा दिया, और ये तो भरी लग रही है मुझे। हाँ ये सुबह हो चुकी है और दादू अभी नीचे ही हैं, चाय वाय हुई हमारी, ब्रेकफास्ट तो भी करने को है, बाकी देखते हैं कब तक क्या रहता है। और यार लाइफ ना थोड़ी सी मतलब रुक सी गई है एक ही जगह, पता नहीं क्या। चलो आज का मौसम माहौल कुछ इस तरह का है, व्यू आसपास का ये देखिए। सुबह सुबह हमने चाय वाय रस बिस्किट ये वो तो ले लिया था, अभी थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया, कोई 11 बज रहे, तो मैंने दादू को खाना गर्म कर दिया जो रात को ही बनाया था, वही गर्म कर दिया। हाँ जी दादू जी, टेस्टी है? वेरी गुड। क्या बोलना चाहोगे? बहुत बढ़िया, जो मैं सोचता हूँ वही करता है। वही करता हूँ मैं? क्या बात है, क्या कर दिया मैंने ऐसे आपके लिए? मैंने कहा मेरे को दर्द हो रहा, ज्यादा दर्द हो रहा, फट गोली दे दवाई। और बस जो जुबान पे आता है उससे पहले ही कर देता हूँ। मरने वाले से पहले उसकी ख्वाहिश नहीं पूछते, वही काम करते हो तुम। तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ, मरने वाले से पूछते ना, फांसी देने से भी पहले जेल में भी पूछते हैं कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो आपको तो कुछ नहीं होने वाला है, तो वही ना। इस दादू को दादू के दिल कर करें तो दादू बहुत खुश हो जाते हैं, सच बता रहा हूँ। बाकी चलो अभी देखते हैं। बुजुर्ग वैसे गाइस मोस्टली आपको पता वैसे ही होता है, जैसे घर पे हमारे भी दादा दादी हैं या आपके भी होंगे, तो मतलब उनके दिल का काम करो ना तो वो बहुत खुश होते हैं, तो करना भी चाहिए। एक बुजुर्ग बंदा एक बच्चे के समान ही होता है। बाकी चलो अभी खिला रहा, देखो ये देखो भाई ये सब कुछ करना है, ये देखो इधर देखो, सारा का सारा इधर उधर सब कुछ बिखरा हुआ है, कौन करेगा, खुद ही करना पड़ेगा। बाकी चलो देखते हैं जैसा भी है, अच्छा है प्रभु की कृपा से। तो खाओ पियो आप ना, पानी वानी है ना इधर? मैं छोटे भाई के लिए खाना छोड़ के आता हूँ, वो भी बीमार हो गया है ना। और क्या, दूसरे रूम जा के आता हूँ, मम्मी घर गए हैं, वो भी अकेला है। कौशल भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वैसे गुड आफ्टरनून है अभी, अभी हमारा खाना हो रहा है, लंच भी हो रहा है, ब्रेकफास्ट भी साथ में ही हो रहा है। दादू दर्द में भी नाचने का दम रखते हो आप, एक बार फिर से फराटी हो जाएगा।
आज तो हमने ना फुल एंजॉय किया दादू, ठीक है थोड़ी देर के लिए मार्केट जाते हैं सामान ले आते हैं, ओके ओके फुल एंजॉय ना, अब रेस्ट करो सो जाओ थक गए। मुझे लगा चीनी कम है, आधा किलो चीनी भी ले आएंगे दादू, टेंशन क्यों ले रहे हो, आधा किलो सब कुछ आ जाएगा ठीक है। अब आप रेस्ट करो क्योंकि हम नाचे भी ना, इसलिए टांग में दर्द ही होगी। चलो थोड़ा मार्केट की तरफ चलते हैं, मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, कौशल चलाएगा। दादू आ गया मैं, आ गए। क्या लाया पता है? आपकी फेवरेट सब्जी। अच्छा बैंगन। आए हाय आलू। आलू हाँ, प्याज प्याज। बस मजा आ गया, मजा आ गया। पूरे पूरे 7 बजे का टाइम हो रहा है, अभी थोड़ा सा डिनर कर लेते हैं। और ये गाइस हमारी दादू की फेवरेट आलू और बैंगन की सब्जी बन चुकी है। दादू खाना ला रहा हूँ, ठीक है जी? खाना ला रहा हूँ, खाना बिल्कुल ही। रात के पूरे पूरे 9 बज रहे और अभी सोने का भी टाइम है हमारा, डिनर भी हो चुका है। और दादू के ना, दादू जी दवाई खा ली? हाँ जी। इधर देखो थोड़ा सा, ये दादू अब सोने की तैयारी में। और गाइस आज से ना दादू के हमने संपूर्ण रामायण के जो एपिसोड शुरू कर दिए हैं, दादू को संपूर्ण रामायण दिखाएंगे, है ना दादू? कितने एपिसोड देखे आज? चार कल देखेंगे, चार आज देखे चार कल देखेंगे, ठीक है। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। गाइस दादू को संपूर्ण रामायण दिखा रहे हैं, दादू ने खुद ही बोला कि यार मुझे 40 साल हो गए, मैंने 40 साल के बाद देखा ही नहीं। मैंने बोला दादू हम आपको दिखाएंगे, है ना दादू? बिल्कुल। क्या बोलना चाहोगे? रोज देखेंगे, रोज देखेंगे, पूरे एपिसोड खत्म करेंगे। चलो अब सो जाओ, ठीक है? ओके ओके, गुड नाइट।